नमस्कार एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते कुछ सुर्खियों पर। मुख्य सचिव बीपी सिंह ने मंत्रालय में परख वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों से की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विवेक अग्रवाल ने आज लखनऊ में आयोजित नगरीय विकास की राष्ट्रीय कार्यशाला को किया संबोधित। और सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में सहकारिता से अंत्योदय योजना पर की चर्चा। और खबरें अब विस्तार से। खेलकूद प्रोत्साहन योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 11 शासकीय महाविद्यालयों को 33,95,930 रुपए की राशि आवंटित की गई है। बैतूल के शासकीय महाविद्यालय मुलताई, नरसिंहपुर के शासकीय पीजी महाविद्यालय गाडावारा, शिवपुरी के शासकीय श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया महाविद्यालय कोलारस और टीकमगढ़ के शासकीय महाविद्यालय पलेरा को क्रमशः 4,00,000 रुपए की राशि दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को वन विभाग में मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा प्रदेश के 6 शहरों में दीवा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रायसेन, सीहोर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पन्ना और सतना में 3 श्रेणियों में होने वाली इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राएं और आम नागरिक भाग ले रहे हैं। प्रथम श्रेणी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक, द्वितीय श्रेणी में कॉलेज के छात्र छात्राएं और तृतीय श्रेणी में आम नागरिक महिलाएं और व्यावसायिक पेंटर भाग लेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि सहकारिता से अंत्योदय योजना में सहकारी समितियों को रोजगार मूलक गतिविधियों के संचालन में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वित्तीय सहयोग देगा। यह निर्णय आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता केसी गुप्ता, सीजीएम नाबार्ड एस के बंसल, आयुक्त सहकारिता केदार शर्मा और नाबार्ड के अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 36 जिला मुख्यालयों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा भोपाल में मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय और स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी का भी संचालन किया जा रहा है। शासकीय पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए इस वर्ष करीब 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना में चयनित जिला पुस्तकालय खंडवा के उन्नयन के लिए 18,50,000 रुपए और इंदौर के अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के उन्नयन के लिए करीब 22,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने 6 महाविद्यालयों को नवीन संकाय खोलने के लिए अनुदान योजना के तहत इस सत्र के लिए 18,00,000 रुपए की राशि आवंटित की है। आदेशानुसार शासकीय महाविद्यालय बही जिला कटनी और शासकीय महाविद्यालय छपारा जिला सिवनी को क्रमशः 3,50,000, शासकीय महाविद्यालय खेरलांजी जिला बालाघाट और शासकीय महाविद्यालय बेहर जिला बालाघाट को 3,30,000 और शासकीय महाविद्यालय तिरोड़ी जिला बालाघाट और शासकीय महाविद्यालय बुधनी जिला सीहोर को प्रत्येक 2,50,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।